रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पूरा हो चुका है। भगवान राम की मनमोहक तस्वीर सबसे सामने आ गई है। भगवान राम की मूर्ति को बेहद आकर्षक आभूषणों से सजाया गया है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर इन आभूषणों को बनाने में किन रत्नों का इस्तेमाल किया गया है और बाजार में इन रत्नों की कीमत कितनी है। जब आप भगवान श्री राम की तस्वीर को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनको सजाने के लिए बेहद शानदार आभूषणों का इस्तेमाल किया गया है। जैसे उनके सिर पर जो सोने और हीरे से बना मुकुट है, उसके बीच में एक पन्ना रत्न का इस्तेमाल किया गया है। वहीं प्रभु श्री राम के माथे पर जो तिलक है, उसे हीरे और माणिक्य से बनाया गया है। जबकि कानों के जो कुंडल हैं, उनमें मोती, पन्ना और माणिक्य का इस्तेमाल किया गया है। गले के हार में भी पन्ना, माणिक्य, मोती और हीरे का इस्तेमाल खूब किया गया है। इसके अलावा कई और आभूषणों से भी भगवान श्री राम को सजाया गया है। एक वेबसाइट पर 1.3 कैरेट पन्ना की कीमत 71,900 रुपए बताया गया है। वहीं 1.21 कैरेट माणिक्य की कीमत 14,600 बताई गई है। जबकि हीरे की बात करें तो दी गई जानकारी के अनुसार 1 कैरेट हीरे की कीमत 2.5 लाख से 20 लाख के बीच हो सकती है। वहीं कुछ हीरों की कीमत इससे भी ज्यादा होती है। वहीं मोती की बात करें तो ये 10,000 से 1 लाख रुपए तक की कीमत के आती है, जबकि कुछ मोतियों की कीमत इससे भी ज्यादा होती है। इस हिसाब से रामलला की मूर्ति को करोड़ों रुपए के आभूषणों से सजाया गया है। अयोध्या में जन्मभूमि पर करीब 500 वर्ष बाद श्री राम फिर से विराजमान होंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर केवल अयोध्या ही नहीं, पूरा देश आनंद और उत्साह से भरा है। देश के हर शहर में इस दिन को एक उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।